lord. So, ये रहे जी गांधी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मैं हूं अब्दुल रहमान तमीर और आप देख रहे हैं एआरटी राजा बिरला। आज हम आए हैं जी गांधी जी के पास। जी हाँ बिल्कुल, गांधी जी इन बिश्के इंडिया की बात नहीं कर रहे, लेकिन गांधी जी वही हैं। बेसिकली ये इंडियन रेस्टोरेंट है, गांधी रेस्टोरेंट। तो आज हम वहाँ पे आए हैं और अभी हम खड़े हैं जी गांधी जी के स्टैचू के सामने। तो चलते हैं, बाकी देखते हैं आ जाए। और इनका टेस्ट सुना है, इनका भी बहुत अच्छा है। तो जितने भी बाकी ब्लॉग्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि आजकल हम टेस्ट देख चेक कर रहे हैं कि किसका सबसे अच्छा है। तो आइए चलते हैं। नहीं करें न, ये देख ना बेटा, बहुत बुरी बात है। क्या बहुत बुरी बात? यहाँ पर आते ही जी, जैसे ही आप बैठते हैं आके ऑर्डर के लिए, तो एक कैंडल ऑन कर दी जाती है, जो कि बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आप कैंडल लाइट डिनर पे आए हों। और इसी को वहाज साहब अभी जो है ना बंद करने की ट्राई कर रहे थे। टाइम भी नहीं है, वैसे क्या प्लान है? अच्छा, ये बात है मैंगो लस्सी की, तो मेरे ख्याल में वो ये मिल्क शेक ही है, पाकिस्तान में इसको मिल्क शेक कहते हैं। नहीं सर जी, लस्सी ये जड़ी लस्सी लिखे लस्सी तो लस्सी लस्सी और दही पा छड़े होने मैंगो के नाल दही पा छड़े तो बस वही और की है। अच्छा जी, ऑर्डर हम लोगों ने कर लिया और जितना कुछ किया ही अमीन साहब भी बताया, मैं तो भूल चुका हूँ। जी क्या ऑर्डर किया? चिकन बिरयानी, चिकन तंदूरी चिकन है, और एक चिकन मलाई रोटी। ठीक है, चार तंदूरी गार्लिक। क्वांटिटी आप रहे हैं, आप सिर्फ बता दें। और गार्लिक ना, और शायद समोसा चाट, पापड़ी चाट, दही बल्ले, दही बल्ले। ऑलमोस्ट सभी जो देसी जितनी आइटम्स थी उनमें से भी हमने ऑर्डर किया। ठीक है, चल बाकी चेक करेंगे तो हमेशा की तरह आपको बाद में ज़रूर बताएंगे कि कैसा टेस्ट है इनका। तो हमारे साथ ही जब तक ऑर्डर आता है हम वेट करते हैं, और आप तब तक इनका डेकोर देख लें। सीटिंग एरिया भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ले जी चिकन तंदूरी ये रहा, और उसके साथ ही चिकन मलाई बोटी है, और ये आ गए दही बल्ले, पापड़ी चाट, फ्राइज वहाज के लिए जो के होती हैं स्पेशली। और इसके साथ साथ अब आ रही ये लेमोनेड भी है। ये रही जी फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट तो इनकी बहुत ही हैवी और हेल्दी है, कंप्लीट फ्रूट्स हैं कंप्लीट। अरे वाह क्या बात है जी, दही भले तो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में, ये देखें। वरना इससे पहले ऊप्स में जब खाए हैं अच्छे थे उनके, पाकिस्तानी स्टाइल नहीं था, ये पाकिस्तानी प्योर लग रहे हैं। बिरयानी भी आ गई है साथ ही। बिरयानी के बाद आ गई जी चिकन हांडी, और साथ में गार्लिक नान भी आ गए हैं। इनके नान भी अच्छे हैं, वरना थोड़ी देर के बाद नान बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, खाए नहीं जाते, पापड़ बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा अभी तक पापड़ नज़र नहीं आया। खाना ऑलमोस्ट हमने सारा ही ट्राई कर लिया है, और ये लास्ट अब मैं ट्राई कर रहा हूँ चिकन हांडी। और अब आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ, तब तक हमने मीठे का ऑर्डर कर दिया है। मीठा जब तक आता है हम थोड़ा सा बाहर सीटिंग एरिया भी इनका देखते हैं। सबसे कह लें कि मज़ेदार चीज़ आ चुकी है मीठा, और मीठे में भी पाकिस्तान की याद जो ज़्यादा दिलाती है, कुल्फ़ी खोए मलाई दी खानी सब नु चाहिए दी, ये तो सुना ही होगा। तो ये स्पेशली जो है अमीन की फरमाइश पे वो कह रहे थे ये बहुत ही टेस्टी है, तो टेस्ट करके बताते हैं आपको। भाई लिटरली सिर्फ बातों की बातें नहीं है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है। मैं इसको लाजमी रिकमेंड आपको करूंगा, जो जितने भी लोग व्लॉग देख रहे हैं
गांधी रेस्टोरेंट पे आएं और आप इनकी कुल्फी ट्राई ना करें तो आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। अब मुझे खा लेने दें, बाकी बाद में आपको ओवरऑल बताता हूँ कि कैसा था टेस्ट सभी चीज़ों का। यह बॉक्स देख रहे हैं, बहुत अच्छा बॉक्स बना हुआ है, प्योर इंडियन ऊपर कार्विंग है। और इसका मकसद ये है कि जब हम चेक देते हैं, मतलब बिल से जो चिलर वापस आता है, चिलर के साथ साथ ये आपको कैंडीज भी आती हैं जी, मुंह मीठा करें। लेकिन ऑलरेडी हम खोए मलाई वाली कुल्फी से मुंह मीठा कर चुके हैं। खाना खा लिया, सब कुछ बहुत अच्छा था। हमेशा की तरह आपको फिर बेस जो है ना रिमार्क्स दिए जाते हैं खाने के बारे में, तो लाजमी आपको कहूँगा कि जिस तरह ऊप्स बहुत अच्छा कहते थे इंडियन, उसी तरह ऊप्स के बाद मुझे ये जो है गांधी रेस्टोरेंट ये अच्छा लगा है। तो लाजमी आप आए, स्पेशली इनकी कुल्फी जो है, कुल्फी खोया मलाई दी, वो वाकई सब लोग खानी चाहिए थी। आए लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर किसी अगले ब्लॉग में किसी नए कॉन्टेंट या किसी नए रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।